देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्फिनिटिव सेंटेंस ये क्या होता है, ठीक। और देखो इन्फिनिटिव सेंटेंस क्या होता है पता है? फिर बताओ क्या होता है इन्फिनिटिव सेंटेंस। हर एक इंसान का मजबूरी है, अभी मजबूरी है कि नहीं, यहाँ आना पड़ता है इस कड़ी धूप में, ये मजबूरी है कि क्या है? अपने मन से आते हो, अभी बैठना पड़ता है, ये मजबूरी है कि अपने मन से बैठे हो? फ्यूचर सीखना है, ये मजबूरी है कि अपने मन से मजबूरी है तब ना सीख लो? नहीं, अंग्रेजी सीखना है ये मजबूरी है ना, अंग्रेजी बोलना है ये मजबूरी है ना, सब कुछ मजबूरी है। तो देखो मजबूरी को बताने के लिए, किसको बताने के लिए? मजबूरी को बताने के लिए हम लोग इन्फिनिटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इन्फिनिटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। अच्छे से ध्यान देना, एक तो यह समझ में आएगा, ठीक, ध्यान देना। इसका यूज करते हैं इन्फिनिटिव सेंटेंस का, ठीक। इन्फिनिटिव सेंटेंस का पहचान होता है कितना? ना ने ने, पता है? ना ने ने, सबका नाना ने नहीं होगा ना, नाना भी है, नानी भी है, ठीक। मैं बता दूं, देखो ना ने और ने, ठीक, ना ने ने, ये कहाँ से आया पता है? नाना है ना, ये नाना है, नानी है, और सभी बच्चे क्या है? नेक हैं, हो ना, ठीक। नाना में से क्या ले लो? ना ले लो, नानी में से नी ले लो, और नेक में से ने ले लो, ठीक। ये आपका हो गया पहचान, ना ने ने, याद रहेगा? यस सर। ना ने ने, ये किसका पहचान हो गया? इन्फिनिटिव का, ठीक। अब देखो ये हो गया इन्फिनिटिव सेंटेंस का पहचान, ये लगा ही होगा कि ना। अब इसके साथ देखो इसमें कंडीशन क्या हो जाता है, कंडीशन ये हो जाता है कि ये वर्ब क्या होता है? इन्फिनिटिव वर्ब होगा, तो टू प्लस वी वन को, किसको? टू प्लस वी वन क्या बोलेंगे पता है? इन्फिनिटिव वर्ब बोलेंगे, ठीक। क्या बोलेंगे? इन्फिनिटिव वर्ब, ठीक। अब देखो अब बताते हैं, यहाँ पे देखो किसी भी सेंटेंस का, माइंड में फिक्स करो एक चीज, किसी भी सेंटेंस का तीन कंडीशन होता है, कितना? तीन, याद रहेगा? मैं कहता हूँ दुनिया का कोई भी सेंटेंस है ना, तीन कंडीशन बनेगा, सोच के देखो थोड़ा, दुनिया का कोई भी सेंटेंस है ना, तीन कंडीशन बनेगा। अब देखो तीन कंडीशन बनेगा तो इसका अलग अलग फॉर्मूला होगा, है कि नहीं? फिर अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, है? सब कुछ अलग होगा, सब कुछ पार्टिकुलर होगा, है कि नहीं? तो इन्फिनिटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि जब सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो क्या देखेंगे? जब सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो, जब सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, क्या लेंगे? हम लोग क्या लेंगे? सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहले। एस का मतलब यहाँ पर सुनैना देवी नहीं, एस का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट, हाँ, नहीं तो लड़का बोलता है सर सुनैना देवी, इसको बोल सकते हैं, हाँ बोले तू बोल सकता है, सुनैना देवी नहीं, इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। क्योंकि एस मत पढ़ना, ऐसे अगर याद करोगे कि एस प्लस हैव या हैज तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। एस को क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सब्जेक्ट लेना है, हैव लेना है, हैज लेना है। देखो एक चीज समझाते हैं, यहाँ पर have और has, ये present का helping verb हुआ, किसका? present का helping verb हुआ। अब देखो to plus v1, क्या बोल रहे हैं? to plus v1, ये to plus v1 जो है ना, ये कौन सा verb है? अभी हम just बताए थे कौन सा verb है? infinitive verb है, ठीक। और वो का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, सर यहाँ पे हैड तो आप छोड़ रहे हैं, विल हैव तो छोड़ रहे हैं, क्यों? इसका कंडीशन अलग है ना। हम अभी जस्ट क्या बताएं कि किसी भी सेंटेंस का कितना कंडीशन हो सकता है? तीन कंडीशन हो सकता है। तो सबसे पहले जो होगा कौन सा कंडीशन होगा? प्रेजेंट का होगा, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज होगा, ठीक। टू प्लस व्यून प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब पूछोगे इसका ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, कौन सा स्ट्रक्चर हुआ,
ए। तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ ये हो गया ए एफ अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस या हैव प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पर टू प्लस वी वन कौन सा वर्ब, इंफिनिटिव वर्ब। अब देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, ये अफर्मेटिव हो गया ठीक ना। अब इसको हम नेगेटिव में चेंज करते हैं, किसमें, नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो नेगेटिव का जो फॉर्मूला हो जाता है क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, नॉट को, इसको नॉट को तीसरे स्थान पे रख देना है। किस स्थान पे, तीसरे स्थान पे रख देना ठीक। आज हम लोग देखेंगे ये प्रेजेंट का अफर्मेटिव और नेगेटिव, पास्ट का अफर्मेटिव और नेगेटिव ठीक, फ्यूचर का अफर्मेटिव और नेगेटिव। आज दो दो स्ट्रक्चर पे काम करना है, फिर हम लोग कल देखेंगे इंटरोगेटिव फिर WH वर्ड, सीरियल वाइज काम करना है, जल्दीबाजी नहीं करना ठीक ना। और देखो यहाँ पे ये अफर्मेटिव हो गया, नॉट को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा तो हर एक चीज में होगा, हर एक कंडीशन में। अब देखो हम पास्ट की बात करते हैं, किसका बात करते हैं, चलो हम पास्ट की बात करते हैं। तो पास्ट में क्या होगा, जब सेंटेंस पास्ट में होगा तो ठीक, जब सेंटेंस पास्ट में होगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस है, याद रखना क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस है प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट ठीक। उसके बाद फ्यूचर में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वी है प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट ठीक। अब एक चीज यहाँ पे समझना होगा प्रेजेंट कंडीशन में, इसमें प्रेजेंट में आओ, प्रेजेंट पे एक चीज समझना होगा, वो चीज है हैव और हैज, क्योंकि दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा खाना खाने के लिए बैठते हो ठीक है ना, खाना खाने के लिए बैठते हो तो एक थाली लेते हो या दो थाली लेते हो, एक ना। और अगर कहीं से किसी जगह से दावत आ गया तो भोज आ गया तो फिर भी एक ही थाली ना, एक ही ना। कहने का सेंस ये है कि जब एक इंसान हो, जब एक सब्जेक्ट हो तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं, एक सब्जेक्ट को कितना हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एक चाहिए ठीक। लेकिन प्रेजेंट में तो दो है ना, क्या है, प्रेजेंट में दो है, ये तो समस्या हो गया, प्रेजेंट में दो है ये तो समस्या हो गया। लेकिन बहुत बड़ा समस्या नहीं है, तुरंत अभी हम घर में इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, याद रखना आई, याद रहेगा, यस सर। आई का मतलब क्या होता है, मैं, आई मीन्स माय, आई के साथ हैव का यूज करना, ध्यान दो अच्छे से, वी डब्ल्यू ई वी मीन्स हम लोग, हम लोग उसके साथ हैव का यूज करना, आई वी यू का मतलब क्या होता है, तुम या यू जो होता है ना, यू बहुत ही रेस्पेक्टेड हो जाए, तुम के लिए भी काम करता है और आपके लिए भी काम करता है कि नहीं, इसके साथ हैव का ठीक। दे का मतलब क्या होता है, वे लो, वे लो ठीक। तो ऐसे याद रखो, आई वी यू दे तथा तथा सभी सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, क्या बोल रहे हैं, सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करते हैं, याद हुआ, फिर से याद करो, आई वी यू दे तथा सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अब देखो एक चीज बताओ मुझे, ये प्लूरल सब्जेक्ट आखिर होता क्या है, मैं बोलूं कि राम और श्याम को यहाँ आना पड़ता है, तो राम और श्याम क्या हो गया, प्लूरल हो गया ठीक। बच्चे लोगों को यहाँ आना पड़ता है, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, क्योंकि क्या बोले हैं, बच्चे लोगों को, 10 शिक्षकों को यहाँ आना है, ये हो गया प्लूरल ठीक। अब देखो हैज का यूज समझते हैं, ये हैज का, ही याद रखना, ही सी इट, याद रहेगा, ही सी इट तथा सभी सिमिलर सब्जेक्ट के साथ, क्या बोल रहे हैं, सभी सिमिलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं। फिर से एक बार रिपीट करो, ही सी इट तथा सभी सिमिलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैज का ठीक। ये हुआ खत्म, इस हेल्पिंग वर्ब में कोई प्रॉब्लम,
एनी डॉट? नो, कोई डॉट नहीं। चलो अब हैड पे आते हैं। ये जो हैड है ना, ये हैड को देखने से दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि हैड एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, चाहे सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, राम हो, श्याम हो, सोनी हो, मोनी हो, कोनी हो, जो भी होगा, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगाना है। यहाँ पे तो कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन बट यहाँ पे तो कंडीशन था, उसको भी मैंने क्या किया, क्लियर आउट कर दिया। आओ विल हैव। कुछ ऐसे उनका क्वेश्चन रहता है कि सर आप शैल का यूज नहीं करते हैं, शैल हैव का यूज नहीं करते हैं। मैं बता दूं कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जो है ना, शैल का यूज हटा दिया गया, स्पेशली फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज में हटा दिया गया, एकेडमिक में है। तो शैल का जो यूज होता है ना, शैल का केवल और केवल आई और वी के साथ होता है, इसलिए इसको क्या किया गया, हटा दिया गया है। का इतना झंझट पाल के रखेंगे दिमाग में, तो उन लोगों ने सोचा कि चलो भाई इसका यूज हटाओ, मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूज खत्म। एनी प्रॉब्लम? अब देखो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया, इसका यूज समझ में आया, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब का यूज समझ में आया, एक फ्यूचर का समझ में आया। अब ये 2+V1 क्या है, क्या है? इंफिनिटिव वर्ब है, 2+V1। इसका पहचान क्या होता है? ना ने नी, अभी जस्ट बताए थे ना ने नी कहां से आया है, ना नानी नेक में से चुरा लिए हम लोग, नहीं क्या किया हम लोग, थोड़ा चुरा लिए। अब देखो, अब हम लोग एक एक सेंटेंस बनाकर देखते हैं यहाँ पे कि प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, बोलना कैसे है। अब देखो कोई बोले कि हाँ आप सेंटेंस लिखो, इसको कन्वर्ट करना, ठीक ना, कॉपी पे कन्वर्ट करो, लो पेन लो ये कन्वर्ट करो, बट ऐसा नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखो मुझे अंग्रेजी सीखना है, मजबूरी है, कैसी दिल अलाउ कर रहा है, ऐसा अलाउ कर रहा है किसी को, मजबूरी है। अब देखो इसका जो पहचान हो सकता है ना, सीखना है या सीखना पड़ता है, बात एक ही होगा। तो इसका प्रेजेंट का आइडेंटिफिकेशन चेंज हो सकता है, ठीक, लेकिन मीनिंग सेम जाएगा, सेंटेंस सेम ही बनेगा। मुझे अंग्रेजी सीखना है, किसको अंग्रेजी सीखना है, जिसमें मुझे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने आता है, सब्जेक्ट को पहचानने आता है, सब्जेक्ट हम कैसे पहचान लेंगे तुरंत में, कैसे? अब देखो सब्जेक्ट को पहचानना हम बताते हैं। ये जो सेंटेंस है ना, क्या है ये जो सेंटेंस है आपका, आप लोग क्या करो, ठीक ना, आप लोग क्या करो, इसको जो है ना, ये जो सेंटेंस है आपका, इसको क्या करना है, करना क्या है, इससे क्वेश्चन करो, क्या करो, क्वेश्चन करो, कौन, कौन या किसको, या किसे। मुझे अंग्रेजी सीखना है, किसे अंग्रेजी सीखना है, मुझे, मुझे। इस सेंटेंस से क्या कर रहे हैं हम, क्वेश्चन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन करो, मुझे अंग्रेजी सीखना है, किसे अंग्रेजी सीखना है, मुझे, मुझे का क्या हो, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट लेंगे, मुझे का क्या होगा, आई, आई लेंगे यहाँ पे, एक क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ है। अब देखो सीखना, इस सीखना में नाने नहीं लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, लगा हुआ है ना, नाने नहीं, तब ना हम लोग पहचानते हैं कि मजबूरी है कि नहीं। अब देखो इसमें नाने नहीं लगा हुआ है, मुझे अंग्रेजी सीखना है, आई हैव, अब 2+V1 करना है, सीखना का क्या होता है, लर्न, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू लर्न। अब ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, अंग्रेजी का क्या हो जाता है, इंग्लिश, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, समझ में आया, इसमें कोई डाउट? अगर मैं बोलूं कि श्याम को अंग्रेजी सीखना पड़ता है, क्या होगा, श्याम हैज टू लर्न इंग्लिश, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, श्याम हैज, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था ना, हाँ, इस सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज करना है, ठीक।
उसे घर जाना है, किसे घर जाना है? उसे, उसे के लिए यहाँ पर ही का यूज करेंगे या सी का? ही या सी दोनों में जो कम्फर्टेबल, तो यहाँ पे ही का यूज कर देते हैं। उसे घर जाना है तो ही हैज टू गो टू होम। गो टू होम नहीं, गो टू हाउस। अगर होम का यूज करेंगे तो टू का यूज नहीं करेंगे। ठीक, अब देखो हम लोगों को राष्ट्र का सेवा करना है, किसे? हम लोगों को ना, हम लोगों का क्या होता है? वी, डब्ल्यू ई वी। वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब? हैव का। वी हैव टू। सेवा करने का क्या होता है? सर्व। सर्वे नहीं होता, क्या होता है? शुड बी राइट प्रोनाउंसिएशन, क्या होता है? सर्व। वी हैव टू सर्व द कंट्री, क्या हो जाएगा? वी हैव टू सर्व द कंट्री। राम को काम करना पड़ता है, किसे? राम को काम करना पड़ता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम ना राम हैज टू डू वर्क। इस तरह प्रैक्टिस करना है ज्यादा ज्यादा। ठीक, अब देखो उन लोगों को दिल्ली नहीं जाना है, ये हो गया नेगेटिव। नहीं लगा हुआ है तो नेगेटिव। अभी जस्ट एक्सप्लेन किए थे कि नहीं जब लगा हो तो तीसरे नंबर पर नॉट को रख देना। अब देखो दे हैव नॉट, दे उन लोगों का क्या हो जाएगा? दे के साथ हैव। दे हैव नॉट, दे हैव नॉट टू गो टू दैट। यहाँ तक कोई दिक्कत? तब हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड का भी और ये क्वेश्चन का भी। ठीक है, इंटरोगेटिव और डब्ल्यू एच वर्ड दोनों प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं इसका पास्ट का। ठीक ना, हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं इसका पास्ट का। प्रेजेंट समझ में आया? अब देखो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। जब सेंटेंस पास्ट में हो तो एक बार फॉर्मूला रिवीजन कर लो अच्छे से। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस नियम प्लस ऑब्जेक्ट। एनी डाउट? नो सर, नो। अब समझो, मुझे अंग्रेजी सीखना था, किसे? मुझे। सब्जेक्ट का पता चल गया ना, क्वेश्चन करने लिए किसे, किसको, कैसे, हैं? पता चल जाता है। मुझे अंग्रेजी सीखना था तो मुझे का क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ हैड। ये तो उन्होंने अच्छा है ना कि हैड एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है कि नहीं? सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है? यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा, प्लूरल कौन सा, हमें कोई मतलब नहीं है। जो भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे? हैड का यूज कर देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो, मुझे अंग्रेजी सीखना था, आई हैड टू लर्न इंग्लिश। उसे घर जाना था या उसे घर जाना पड़ा, बात एक ही हुआ ना? Yes. मजबूरी था ना कि उसे घर जाना पड़ा। He had to go to house. खेत, किसान को खेत जोतना था, क्या हो जाएगा? The farmer had to plug the field. अब देखो, राम को काम करना पड़ता था, किसको? राम को। इसमें सब्जेक्ट का पता चला? राम। राम के साथ है, सभी सब्जेक्ट के साथ है। राम हैड टू डू वर्क। अब देखो, उन लोगों को दिल्ली नहीं जाना था, किन लोगों को? उन लोगों को दिल्ली नहीं जाना था। तो सेंटेंस मेरा किसमें है? नेगेटिव में ना। जब सेंटेंस नेगेटिव में रहता है तो नॉट को कहाँ रखते हैं? तीसरे स्थान पर रखते हैं। समझ में आ रही बात? अब देखो, दे हैड नॉट टू गो टू दिल्ली। अब देखो, हम लोग कंडीशन बात करते हैं फ्यूचर का। फ्यूचर कंडीशन भी देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कौन सा, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक, अब देखो, जब सेंटेंस फ्यूचर में हो तो, ठीक ना, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस टू प्लस वन प्लस ऑब्जेक्ट, याद रहेगा? जब नेगेटिव आएगा तो नॉट को तीसरे स्थान पे। अब देखो, मुझे अंग्रेजी सीखना होगा, भविष्य की बात कर रहे हैं, मजबूरी बता रहे हैं कि मुझे अंग्रेजी सीखना होगा,
I will have to learn English. I will have to learn English. टू प्लस रिवन ना, टू प्लस रिवन क्या होता है? इन्फिनिटी वर्ब। इन्फिनिटी वर्ब में क्या होता है? ना ने ने लगा होता है। अंडरस्टूड? अब देखो, आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश। उसे घर जाना होगा, उसका मजबूरी होगा कि घर जाना होगा। ही विल हैव टू गो टू हाउस। अगर होम का यूज करना ना तो गो के बाद टू मत लगाना। अगर यही यूज करना है, ही विल हैव टू गो होम कर देना, ठीक ना? गो के बाद टू मत लगाना, ठीक? तब फिर होगा सिंपल। मुझे वहां जाना होगा। कहां? वहां जाना होगा। आई विल हैव टू गो देयर। एक राम को वहां काम करना पड़ता होगा, पड़ता होगा, जिस बताए थे ना, इस तरह का भी इसका आता है आइडेंटिफिकेशन, ठीक? राम विल हैव टू डू दैट वर्क, ठीक? उन लोगों को दिल्ली नहीं जाना होगा, ये नेगेटिव में आ गया। दे विल नॉट हैव टू गो टू दिल्ली। अब देखो, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंफिनिटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इंफिनिटिव सेंटेंस मजबूरी बता रहे हैं। अब मैं बता दूं कि इंफिनिटिव सेंटेंस का जो है ना, दो रूल होता है, जो कि पहला रूल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसका सेकेंड रूल भी होता है, ठीक? इसका सेकेंड रूल ऐसा रूल होता है जिसमें जो है ना, दो वर्ब आए, दो मेन वर्ब आए, ये पढ़ने में और मजा आएगा। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन को यहाँ पे कॉल करूँ, यहाँ पे बुलाऊँ और थोड़ा प्रैक्टिस करूँ, ठीक ना? रमेश कम रमेश, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? कैन यू कन्वर्ट दो टू ऑल सेंटेंसेस व्हाट एवर आई एम गोइंग टू आस्क यू? ओके, सो आर यू एबल? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? You don't have any problem. So are you okay? So this one is on. Your request camera is on. So can I ask you few sentences? Yeah. Can you convert those all sentences? The sentence will be based on this. Okay? And the structure will be affirmative and negative. Would I ask you in interrogative also? Don't judge word also? Okay. रमेश को यहाँ आना होगा। सॉरी, रमेश को यहाँ आना होगा। होगा रमेश जो कमे, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना होगा। आई विल हैव टू टीच इंग्लिश। मुझे एक सिनेमा देखना होगा। आई विल हैव टू वॉच अ मूवी। ओके, यू टेल मी विच कंडीशन इज दिस? नो, फ्यूचर कंडीशन। मुझे बोलना है। आई हैव टू स्पीक। मुझे आपसे बात करना है। आई हैव टू टॉक विद यू। मुझे कंप्यूटर सीखना है। आई हैव टू लर्न कंप्यूटर। मुझे बेनीपुर जाना है। आई हैव टू गो टू बेनीपुर। मुझे यूनिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आना है। I have to come to Unique Computer Training Center. मुझे यहाँ कंप्यूटर सीखना है। I have to learn computer here. Okay. Which condition is this? This condition is present. Present. So मैं ask you few sentences on the basis of past. Yeah. Available in this condition. Past. मुझे बोलना था। I had to speak. Okay. मुझे अंग्रेजी बोलना था। I had to speak English. Okay, मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ा। I had to learn computer. Okay. मुझे मनीष सर से बात करना पड़ा। I had to talk to Manish sir. Okay. कृष्णा सर को अंग्रेजी पढ़ाना पड़ा। कृष्णा सर had to teach English. हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। We had to come here. Okay. Which condition is this? This condition is the past. Okay. On which sir, on which basis? Past. Okay, so ask them. Okay, sir, could I go? Okay, you can. Thank you, sir. Very great, yes. बहुत अच्छा किया आपने. So, इस sentence, इस structure पे मैं sentence पूछ सकता हूँ.
ओके पहले इससे पहले आप पढ़े इंग्लिश में ओके मुझे बोलना है आई स्पीक नो मुझे बोलना पड़ता है नो आईडिया यू डोंट हैव आईडिया अबाउट दिस अबाउट दिस सेंटेंस इंफिनिटी सेंटेंस वट एवर यू टोल्ड मी दोज़ ऑल सेंटेंसेस आर रॉन्ग मुझे बोलना है मजबूरी है ना बोलना है आई हैव टू स्पीक अगर मैं ये बोलता हूँ आई स्पीक तो मैं बोलता हूँ ना ये तो प्रेजेंट इंडिया टेंस हो गया ना बाबू ये तो जीवन खतरा में नहीं जाना था अपने ससुराल चले गए किसी और के ससुराल तो आपके सास पर ना मेहमान करेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा है कि नहीं तो फिर दिक्कत होगी कोई बात नहीं बहुत आपका हिम्मत का अंदाज देते हैं आपका इतना क्रेज हुआ कि आप यहाँ पे आए बहुत अच्छा गरीब आप अगर इस तरह का माइंड क्लास अटेंड करते तो फिर बोलने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगा विद कॉन्फिडेंस आप बोल सकते हो जैसे रमेश अभी बोला नहीं कितना विद कॉन्फिडेंस बोला उसे कोई हेजिटेशन था कोई फियरनेस था नहीं था अब ये बोलो कि सर इतना फियरनेस कैसे हम रिमूव करें इतना जो है ना हम कॉन्फिडेंस लेवल कैसे हाई करें तो ये धीरे धीरे होगा स्लोली स्लोली क्योंकि वन बाई वन होता है स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होता है कि नहीं जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा तो आप बेसिक से स्टार्ट करो कि ना बेसिक ये पहले अगर आप क्लास अटेंड किए रहते तो पक्का आप यहाँ पे आके बोल सकते हो लेकिन कोई बात नहीं बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी अच्छा इसमें से कोई और स्टूडेंट है जो आना चाहते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए जो भी कोई स्टूडेंट है जो इस ऑन द बेसिस कि आप इस पे प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ये सभी चीजें आप समझ में आया कितना परसेंट ये समझ में आया 100% to 10% अगर ये बोले कि 100% समझ में आया तो माय अफोर्ड कि 100% to 10% समझ में आया नहीं तो कोई ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 100% समझ में आया है कि नहीं कोई बोलते हैं हाँ कि 65% में समझ में आया 75% में बट आप क्या बोले हैं 100% मैं मान लेता हूँ 100% to 10% तो मैं इस बेसिस पे कुछ सेंटेंसेस कुछ आप कन्वर्ट कर सकते हो हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ओके मुझे बोलना है आई हैव टू स्पीक मुझे अंग्रेजी बोलना है आई हैव टू स्पीक ओके मुझे अंग्रेजी सीखना है आई हैव टू लर्न मुझे अंग्रेजी यहाँ सीखना है ओके मुझे यूनिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर जाना है वेरी गुड मुझे यूनिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में कंप्यूटर सीखना है वेरी गुड वेल डन मुझे मनीष सर से कंप्यूटर सीखना है I have to learn computer by Manish sir. With Manish sir या by Manish sir okay that's good okay हम लोगों को यहाँ आना पड़ता है. I have to come here. हम लोगों को subject is we. Sir. Okay. We have to come here. We have to come here. Okay. ये कौन सा condition पूछे अभी हम? Present. Present में. कौन सा structure था? Affirmative था. चलो मैं पास्ट में कुछ पूछता हूँ मुझे बोलना पड़ा आई हैड टू स्पीक आपको पढ़ाना पड़ता था यस यू हैव टू टीच हम लोगों को बेनीपुर आना पड़ता था वी हैड टू कम टू बेनीपुर ओके दैट्स गुड मुझे एक मोबाइल खरीदना था I had to buy a mobile. या buy के जगह पे purchase का use कर सकते हैं क्योंकि संपत्ति थोड़ा महंगा लेंगे तो थोड़ा लंबा समय के लिए रखेंगे ठीक है ना buy और purchase के बीच में थोड़ा सा difference है जब कोई हम मान लो ऐसा संपत्ति खरीदते हैं जो लंबा समय चल सकता है तो उसके लिए हम purchase का use करते हैं तो normal हम buy का use करते हैं तो ये difference बाद में देखेंगे अभी हम लोग को क्या करना है converting skill जो है ये build up करना है थोड़ा बहुत गलती होगा चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक ना जब हम लोग मैथिली बोलते हैं उसमें क्या है ना हिंदी फेट के इंग्लिश फेट के बोलते हैं तो जब इंग्लिश जब सीख ही रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत गलती हो जाएगा तो कौन सा भाई हम लोगों को जेल होने वाला है क्या होने वाला है क्या तो क्या हो गए ठीक ना चलो थोड़ा फ्यूचर में पूछते हैं मुझे बोलना होगा
I will have to speak. मुझे खेलना होगा. I will have to play. Okay. मुझे क्रिकेट खेलना होगा. I will have to play cricket. Okay. मुझे अंग्रेजी बोलना होगा. I will have to speak English. Okay. मुझे कंप्यूटर सीखना होगा. I will have to learn computer. मुझे कंप्यूटर यहाँ सीखना होगा. I will have to learn computer here. Okay. That's good. अच्छा ये कौन सा कंडीशन है? फ्यूचर. अच्छा अभी जितना भी सेंटेंसेस आप कन्वर्ट किए हो ये सभी सेंटेंसेस कहीं ना कहीं मजबूरी को शो करता है कि नहीं? ठीक मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ. अच्छा एक चीज बताओ कि 2+3 क्या है? 2+3 इन्फिनिटी वर्ड है, याद रहेगा? 2+3 इन्फिनिटी वर्ड है. अच्छा इन्फिनिटी वर्ड का पहचान क्या है? नानी. अच्छा ये कहाँ से आया है? नाना नानी नेक. नाना नानी नेक में से आया है. पूरा याद हो गया. नहीं कहीं भी माइंड को इधर उधर नहीं जाने दे. सर पढ़ा रहे थे ठीक है ना, पूरा माइंड सेटअप के साथ पूरा सुन लिया हर एक बात को. नहीं हर एक पॉइंट को नोट कर दे. वेरी गुड वेल डन. इस तरह प्रैक्टिस करोगे ना बहुत इजीली जो है अंग्रेजी बोल सकते हो. अरे अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान है ठीक ना, हिंदी से आसान है. बात को समझो. यू नो क्लैप फॉर अपॉर्चुनिटी है जिसको भी आना है कम आ जाओ. डू प्रैक्टिस विद कृष्णा सर. कम सॉरी ये सभी चीज समझ में आया इन्फिनिटी वर्ड. मुझे नहीं लगता है कि इन्फिनिटी सेंटेंस में किसी को कोई डॉट होगा. थोड़ा सा डॉट है तो बोलो, अगर डॉट है तो अभी क्लियर कर देते हैं. नो डॉट. सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है नो डॉट. इट मीन्स क्या कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं. आज दो ही स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस किया है. कौन कौन सा स्ट्रक्चर? अफर्मेटिव और नेगेटिव. कभी भी नेगेटिव मत बोलना. क्या बोलना है? नेगेटिव. कृष्णा सर के पास पढ़ाई कर रहे हो तो वर्ड प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दो क्योंकि ये बेसिक है ना, है कि नहीं? बेसिक है तो बेसिक से ही हम लोग को जाना, बेस में ही थोड़ा वर्क करना है कि नहीं? What does your father do? का मतलब होता है पैसा. जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो फॉर्म दिया जाता है तो वहाँ पे लिखा रहता है फादर्स ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पैसा. What is your father? आपके पिताजी क्या है? अगर ये नॉनली पर्सन आपसे पूछ रहे हैं, जो जाने माने व्यक्ति पूछ रहे हैं, या अनोनली पर्सन आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पिताजी क्या है, तो आप नॉर्मल बोल सकते हैं. लाइक माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज एन इंजीनियर, माय फादर इज अ लीडर. इस तरह आप आंसर दे सकते हैं. What is your father by profession? Any more sentence? सेंटेंस जो भी पूछना है आप उसे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अब जितना वो सेंटेंस पूछे हैं ये सेंटेंस जो है ना कहीं ना कहीं इससे दूर दूर तक इसका रिलेशन नहीं था. ठीक ना, 10-20 को दोस्त का शादी का जो है ना क्या बताएं कि ससुराल का जो डिस्टेंस मिला देंगे ना उतना दूरी भी नहीं था इससे. कोई था कोई बिलोंग करता था एक भी सेंटेंस? No. वो सारा का सारा सेंटेंस बिलोंग किया, एक सेंटेंस बिलोंग किया इन्फिनिटिव, सॉरी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से और पोजीशन से बिलोंग किया. ठीक है ना, मैं बता दूं कि पोजीशन हमारे पास यहाँ पे एक चैप्टर है. ये जो है ना पोजीशन यहाँ पे एक चैप्टर है. ठीक है ना, ये वर्बल सेंटेंस हो गया. अरे इतना अच्छे से हम डिजाइन करके रखे हैं ना, मेरी इसमें है या नहीं है? इसमें शायद नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें नहीं है. इसमें देखो, इसमें वर्बल सेंटेंस चल रहा है.
एक से एक ट्रिक लेकर आए हुए हैं, ठीक ना। बस स्टूडेंट को पढ़ने का जरूरत है। अब देखो मैं थोड़ा बता दूँ, ये अभी एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ते हुए अंग्रेजी बोलते हैं कि कौन सा सेंटेंस हो गया, इसका भी रूल है। ये वर्बल सेंटेंस है, हम लोग बोलकर यहाँ आते हैं, ये भी अप्लाई होता है। सब्जेक्ट जब एक ही समय में दो काम को करता है, ठीक है ना, दो काम को करता है एक ही समय में, तो वो होता है वर्बल का फर्स्ट रूल। क्या होता है वर्बल का फर्स्ट रूल, ये कल एक्सप्लेन कर देंगे, कल मैं बोलता हूं, ठीक है ना। ये क्या ना एक्सप्लेन कर देंगे, अभी जस्ट बता रहे हैं। ये वर्बल का फर्स्ट रूल होता है वी फोर प्लस सेंटेंस, इसके लिए भी फॉर्मूला अप्लाई होता है। हम लोग पढ़ते हुए अंग्रेजी बोलते हैं, रीडिंग वी स्पीक इंग्लिश, ठीक। अब देखो मैं जाते हुए उसे देखा, मैं जाते हुए उसे देखा, इसका मतलब क्या, मैं जा रहा था उसे देखा, दो काम तो कर लिए ना, इतना चतुर बन गए है कि ना, किसी को पता चला नहीं, चतुर तो बन गए, क्लेवर तो बन गया भाई, ठीक ना। भाई जाते हुए उसे देखा, तो जाना का क्या होता है, गो होता है। यहाँ पर वी फोर लिखना है, गोइंग, आई सॉ हिम यहर, लड़का लोग तो ऑब्वियसली सी बात है कि हरे बोलेगा, गोइंग आई सॉ हर, मैंने उसे देखा, ठीक। हाँ गर्ल्स लोग आता है बोल सकते हैं, ऐसे ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। गोइंग आई सॉ हिम या हर, मैंने जाते हुए, मैं जाते हुए श्याम को देखा, ठीक। गोइंग आई सॉ श्याम, ठीक। अब देखो हम लोग बोलकर यहाँ आते हैं, क्या होता है वर्बल का ये सेकंड रूल होता है, ठीक। तो हम लोग ये चैप्टर का ना देखेंगे बाद में, चैप्टर वाइज पढ़ो तो बेहतर है, ठीक है ना। अब जूते का इधर से उधर करोगे तो फिर कोई समझ नहीं आएगा। अच्छा इन इंग्लिश सेंटेंस का हम बात करते हैं, इसमें कोई डॉट्स है किसी को, कोई डॉट है, कुछ पूछना है इसमें तो पूछो, तो हम लोग कल फिर से प्रैक्टिस करेंगे। एक ही चीज लाइफ में याद रखो, ठीक है ना, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेन, जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना आप पाते हो, सिंपल सा बात है। जिस टाइम आप साइकिल चलाना सीखे होंगे उस टाइम का कॉन्फिडेंस और अभी का कॉन्फिडेंस में आकाश पताल का अंतर होगा, है कि नहीं। पहले जब चलाते होंगे अच्छा घंटी किधर गया, हाँ नहीं ऐसे होता तो ब्रेक कहाँ गया, नहीं पैडल किधर है, अच्छा एक पैडल छूट गया इधर से छूट मार, नहीं अभी अभी यार क्या है मोरा नहीं है, सीधे घुमा देते हैं, स्टंट मारता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ता है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली, ठीक है। हर एक चीज में कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही बढ़ता है। ये अगर कोई चाहेगा कि हम एक बार में सीख जाए महान बन जाए सब कुछ नहीं होता, महान बनने के लिए धीरे 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 अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ही जाना पड़ेगा। तो अंग्रेजी सीखना है या कोई भी चीज़ सीखना, कोई भी सब्जेक्ट पार्टिकुलर सीखना, कंप्यूटर भी आप सीख रहे हो तो उसको बेसिकली आप बेसिक से सीख रहे हो, ठीक ना। टैली वाले बैच में क्या हुआ, ठीक ना, सब कुछ सिखा दिए, थोड़ी बता दिए, ठीक है ना, कैपिटल क्या होता है, कैश क्या होता है, बैंक क्या होता है, ए टू जेड जब हम बता दिए, कंपनी क्रिएट करना सिखा दिए, यहाँ पे जब हम प्रैक्टिस करवा दिए, जब लैब रूम गया तो 5 से 7 मिनट लगा, ठीक। और जो है ना क्या किया, ये आ गया सर तो 5 ही मिनट में हो गए, आप की कर रहे जाओ सर इतने देर पढ़े हुए हैं, हाँ हो गए 5 से 7 मिनट में हो गए, जब नहीं पढ़ाए थे तो पता था कि कैसे होता है कंपनी के लिए, पता था कैपिटल क्या होता है, तो नहीं सर जब सिखाए तब ना सिखा दे, है कि नहीं, जब सिखाए तब ना। क्वेश्चन का क्वेश्चन ऐसा भी होता है, उसके लिए तो ये नहीं है। अच्छा इंफिनिटिव सेंटेंस में किसी को कोई डाउट है, हाँ ऑन ऑफ हो जाता है पता नहीं, ठीक ना। हम लोग फिर बात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल का नेक्स्ट सेशन होगा इसी तरह, और इससे आगे हम लोग क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंफिनिटिव सेंटेंस का तीनों कंडीशन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक। और वन बाय वन जो भी स्टूडेंट्स डिजायर होंगे, ठीक ना, या जो भी स्टूडेंट्स विलिंग होंगे, जो भी स्टूडेंट इच्छा होगा वहाँ पे यहाँ पे आके प्रैक्टिस करेंगे। कल से मेरे पास ये माइक रहेगा और स्टूडेंट के पास कॉलर माइक रहेगा, तो क्या होगा वॉइस क्लियर होगा, ठीक। और आप लोग जो है इस वीडियो को जो अपलोड होगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इससे व्यूज बढ़ेगा, ठीक। और फ्रेंड्स सर को बता दीजिए, ठीक ना, सपोर्ट कीजिए चैनल पे, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इतना वैसे मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, ठीक ना।
सभी को पता है ईश्वर से बहुत ईमानदार है, इतना कर देता है। टीचर बोले तभी करेगा। भूख लगा रहता है घर पे जाते सीधे खाने में जा रहे हैं। अच्छा 7 days का डेमो क्लास है, कौन सा अटेंड कर रहे हो क्लास में? उसके बाद अपने इच्छा से, ठीक है ना? अगर अटेंड करना हो तो आना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना? अगर ऐसा